इंग्लैंड की टीम के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनका कहना यह है कि टीम इंडिया ये क्या कर रही है, टीम इंडिया में इतने सारे खिलाड़ी हैं, डेब्यू होता है लेकिन वो परफॉर्म कर देता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मोइन अली ये कह रहे हैं, जॉस पटले ने तारीफ करी है इस चीज की, और जॉस पटले ने तो मैनेजमेंट की तारीफ करी है कि देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया खिलाड़ियों को चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो आने वाले टाइम में इंडिया की टीम नंबर वन ही बनी रहेगी, क्योंकि वो उनका पेस ऐसा चल रहा है कि शायद यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, और प्लस जो खिलाड़ी हैं जो संन्यास के बिल्कुल करीब हैं यानी रिटायरमेंट के करीब हैं, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है यंगस्टर्स का प्लस यहाँ पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका, तो वो दर्शाता है कि यहाँ टीम इंडिया जो है अच्छे से लेके चल रही है। तो यहाँ पे ये तारीफ करी है यहाँ पे बीसीसीआई की, माइकल वॉन ने भी ट्वीट किया था। उसके अलावा अगर बात करें नासिर हुसैन ने भी तारीफ करी है कि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेले इस सीरीज में, उसके बाद शुभमन गिल जिस तरीके से खेले, उसके बाद में देवेंद्र पाटिकल को मौका मिला उन्होंने भी 50 जड़ दी, सरफराज खान भी ये जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पाटीदार भी ऐसे ही है, आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग कराई, तो टीम इंडिया की कुल मिलाकर तारीफ कर रहे हैं। इंग्लैंड के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं या मैं कहूँगा पूर्व गेंदबाज हैं, वो सब का तारीफ करने का केवल एक ही तात्पर्य है कि टीम इंडिया जिस तरीके से खिलाड़ियों को यूज कर रही है, यंगस्टर्स हों चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर हों, वो काबिल तारीफ है और ऐसे सभी टीमों को सीखना चाहिए, ये नासिर हुसैन ने कहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।